अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेफ इन द किचन। तो आज मैं बनाने वाली हूँ ऑल टाइम फेवरेट स्पेशली बच्चों की चॉकलेट मिल्क शेक, जिसे हम विदाउट आइसक्रीम के बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट वाली टेस्ट इसमें आएगी। और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम इसे तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिलीशियस और आसान रेसिपी है। तो चले फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 ग्लास शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 ग्लास बिल्कुल ठंडी दूध, चिल्ड मिल्क हमने चाहिए। तो इसे हम डाल देते हैं जार में, और इसमें हम डालेंगे 5 से 6 आइस क्यूब्स और 2 टीस्पून डालेंगे कॉफ़ी पाउडर। तो कॉफ़ी आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। तो 2 टीस्पून हम कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं और 1 टीस्पून हम डालेंगे कोकोआ पाउडर। तो चले कोकोआ पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर। 1 बड़े चम्मच भरकर आप इसमें शुगर डाल दें। और अब हम इसे 1 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। 1 मिनट तक ब्लेंड करने से ये बहुत ज़्यादा क्रीमी फोमी हो जाती है। तो 1 मिनट तक मैंने इसे ब्लेंड कर लिया। तो चले अब इसे पोर करने से पहले हम ग्लास को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसे हर्शीज से डेकोरेट करेंगे, जिससे कि ग्लास जो है वो देखने में अच्छी भी लगेगी और हर्शीज की जो फ्लेवर है वो हमें मिल्क शेक में मिलेगी। ये शेक बहुत आसान है बनाना और बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि रमज़ान का वक्त है और अफ्तार में रोज़ अलग अलग तरह के शेक, ड्रिंक्स वगैरह बनते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो चले ग्लास भी रेडी है, तो अब हम इसमें शेक को पोर कर देते हैं। और अब हम इसके ऊपर थोड़े से कोकोआ पाउडर को स्प्रिंकल कर देंगे। और ये लीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल चॉकलेट मिल्क शेक विदाउट आइसक्रीम के बनकर तैयार हो गई है। तो आई होप ये वीडियो, ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, स्पेशली समर में बहुत ही पसंद आती है ठंडी ठंडी चॉकलेट मिल्क शेक। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे इस रेसिपी को। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले मेरे चैनल को 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।